वक्त हम भजनपुरा में मौजूद हैं। ये वही इलाका है जहां पर दंगाइयों ने दो दिन पहले बड़ी तादाद में जो वाहन खड़े थे सड़क के दोनों ओर, उनमें भारी आग लगा दी थी और उन्हें एक तरीके से आग के हवाले करके तहस नहस कर दिया गया है। यहां पर आप देखेंगे इस सड़क पर जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई करने वाले, जिस दिन दंगाइयों ने इन बाइक्स को आग लगाया वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उन्हीं की जो बाइक्स थी उनको आग लगाया गया, उनके स्कूटर्स को आग लगाया गया। कुछ यहाँ पर सार्वजनिक लोगों के वाहन भी खड़े थे, जैसे कुछ गाड़ियां भी खड़ी थी, कारें भी खड़ी थी। दंगाइयों ने कुछ नहीं देखा, सबको जो है तुरंत आग के हवाले कर दिया। इस रोड को अगर हम शुरू से लेकर के आखिर तक अगर हम देखें तो इसके दोनों ओर जो गाड़ियां जो बाइकें खड़ी हैं, दंगाइयों ने उन्हें पूरी तरीके से आग के हवाले किया और एक तरीके से जलाकर बिल्कुल खत्म कर दिया है, तबाह कर दिया है। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि अब दंगे की वजह से जो है हालात बेहद यहाँ पर तनावपूर्ण बने हुए हैं, लोगों में डर है, बच्चे कोचिंग में पढ़ाई करने के लिए नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ ही दूरी पर एक पेट्रोल पंप है जिसे दंगाइयों ने जो है आग के हवाले किया था, उसको भी पूरी तरीके से बर्बाद किया है, जलाकर बर्बाद कर दिया गया है। भजनपुरा का ये इलाका जो आग की वजह से बिल्कुल एक तरीके से निस्तनाबूत हुआ है, दोनों तरफ खड़ी हुई गाड़ियाँ, बाइक, कारें, पेट्रोल पंप, दंगाइयों ने किसी को नहीं छोड़ा, तुरंत उसको आग के हवाले कर दिया। हमारे साथ यहाँ पर कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले कुछ छात्र भी हैं और कुछ आम लोग भी हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि मतलब किस तरह का यहाँ पर घटनाक्रम है और क्या अभी हालात बने हुए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विनय है, मैं यहाँ जमुना विहार में कोचिंग लेने आता था। तो अभी कुछ दिन पहले दो दिन पहले हमारा इंस्टीट्यूट था, तो हम पढ़ाई वढ़ाई करके निकले थे, तो यहाँ पर बगल में ही टेंट लगा हुआ जहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा हुआ था। वो कहते थे कि हमारा शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है, बट वही है, उन्होंने अचानक से कौन सा उपद्रव फैला के क्या हुआ। जो भी लोग थे प्रोफेशनल थे, पूरे तरीके से कर रहे थे वो लोग। पहले बोनट ओपन कर रहे थे, बोनट के अंदर आग लगा रहे थे, शीशे तोड़ के उसके अंदर पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे। पर्सन ललित के साथ कविता जोशी, जनता टीवी। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही चौथे दिन बुधवार को 11 बजे प्रश्न काल के साथ शुरू हुई। इस दौरान कई विधायकों ने अपने क्षेत्र के सवाल सदन में पूछे। इसके अलावा सदन में एक बार फिर आबकारी नीति, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार के ऊपर सरकार विपक्ष से घिरी हुई नजर आई। हालांकि सरकार ने विपक्ष के तमाम आरोपों के जवाब जरूर दिए, लेकिन विपक्ष सदन के बाहर इन तमाम सरकार के जवाबों से असंतुष्ट नजर आया है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की चौथे दिन की कार्यवाही प्रश्न काल के साथ शुरू हुई। सदन में शून्यकाल के दौरान कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तल्खी भी देखने को मिली। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जब एक सवाल का जवाब दे रहे थे और उनको उस सवाल का ब्यौरा नहीं मिला, तब कांग्रेस की विधायक गीता भुक्कल ने एक टिप्पणी की जिस पर सत्ता पक्ष ने ऐतराज जताया। इसके अलावा भिवानी के एक मामले में भी किरण चौधरी ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में सरकार की पूरी नजर है और किसी भी तरीके से जमीन पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। सदन की कार्रवाई के दौरान इनेलो नेता और विधायक अभय सिंह चौटाला ने धान खरीद घोटाले समेत कई मुद्दे उठाए। सदन के बाहर अभय सिंह चौटाला ने आरोप लगाया कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा। साथ ही अभय सिंह चौटाला ने कई मुद्दों पर सरकार के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी घेरा। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के चार दिन में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है और उसके ऊपर चर्चा हुई है। सत्र की पांचवी दिन की कार्यवाही में राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री जवाब देंगे और इसके साथ ही जो चर्चा में विपक्ष के और सत्ता पक्ष के विधायकों ने जो मांग की है उस मांग पर भी मुख्यमंत्री भरोसा जरूर दे सकते हैं। बहरहाल देखना होगा कि मुख्यमंत्री के राज्यपाल के अभिभाषण पर आने वाले जवाब से विपक्ष कितना संतुष्ट होगा। पंजाब बजट सत्र के चौथे दिन की शुरुआत भी हंगामे भरी रही, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से माफिया राज को लेकर के हंगामा किया गया, तो वहीं विधानसभा के बाहर अकाली दल की तरफ से भी मैनिफेस्टो को लेकर के कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया गया और सरकार पर आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद में कांग्रेस इन वायदों को भूल चुकी है। जिस तरह से सदन की कार्रवाई आगे बढ़ती गई तो 10 बजे के बाद में अगर कहें तो प्रश्नकाल चला। प्रश्नकाल के बीच में विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दे रखे तो सरकार के सत्ता पक्ष की तरफ से भी उसका जवाब दिया गया, लेकिन जिस
जैसे ही समय आया सीएम की जो राज्यपाल के अभिभाषण पर उन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव लाना था और तमाम सरकार की बातें उन्होंने सामने रखी कि किस तरह से कृषि क्षेत्र के लिए, शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, रोजगार की हो या इंडस्ट्री को लेकर के हो, तमाम मुद्दों पर उन्होंने सरकार की तरफ से आंकड़े सामने रखे। वहीं सबसे बड़ी बात सीएम ने ये भी कह दी कि SYL को लेकर के जिस तरह से पंजाब में पानी की कमी है और पानी बाकी राज्य मांगते हुए नजर पड़ते हैं तो वो कतई नहीं दिए जाएंगे। सीधे तौर पर एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने सदन के बीच ये आश्वासन दिया कि बेशक शहीद होना पड़े लेकिन पंजाब का पानी पंजाब से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। उसके साथ ही अगर हम बात करें कि स्मार्टफोन को लेकर के जब सीएम आप अपनी स्पीच को आखिर में लेकर के आए तो स्मार्टफोन ना अभी तक जारी होने के ऊपर उन्होंने सफाई दी कि पंजाब में स्मार्टफोन बांटे जाएंगे जैसे कि उन्होंने वायदा किया, लेकिन चाइना में कोरोना वायरस के आने के चलते कहीं ना कहीं उनमें देरी हो रही है, जैसे कि तारीखों का ऐलान पहले हो चुका, जिसके बाद अगर कहें कि विपक्ष की तरफ से तीखा हमला भी बोला गया तो वहीं एक मजाक भी उड़ाया गया कि आखिरकार सरकार 3 वर्ष से बनी हुई है और कोरोना वायरस 1 महीने पहले आया है तो मुख्यमंत्री ने किस तरह से कोरोना वायरस का हवाला देते हुए स्मार्टफोन की देरी का बात सामने रखी है। साथ ही आपको बता दें कि कर्मचारियों को लेकर के भी मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है कि 6वें पे कमीशन को लेकर के अब चर्चा शुरू की जाएगी, बैठकों का दौर शुरू होगा, हालांकि अगले साल तक हो सकता है कि इसको लागू भी किया जाए, लेकिन विपक्ष पूर्ण रूप से इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं जो आंकड़े पेश किए गए उसको नकारता हुआ नजर आया। बेशक अकाली दल की बात हो चाहे आम आदमी पार्टी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से नौकरियों को लेकर के जिस तरह 11 लाख नौकरियों का आंकड़ा सामने रखा गया वो बेहद झूठ है और दिल्ली के सामने जो मुकाबला शिक्षक के स्तर को किया गया वो भी कहीं ना कहीं पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्य रूप में कहा जाए तो आज के दिन के बीच में हालांकि हंगामे बेशक शुरुआत के दौरान देखे गए लेकिन बाद के बीच में प्रश्नकाल चला और उसके बाद में मुख्यमंत्री ने सदन को एड्रेस किया। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आखिर के दौर के बीच में जरूर एक बार फिर से विपक्ष ने हंगामा किया कि जो मुख्यमंत्री ने आंकड़े सामने रखे हैं वो बेहद गलत और झुठलाने वाले हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब कैग की रिपोर्ट जो चौथे दिन के बीच में पेश होनी थी वो अब कल यानी कि 5वें दिन पेश की जाएगी और उसके बाद बजट के लिए आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं आज के पूरे दिन के बीच में शांतिमय सदन की कार्यवाही चलती रही लेकिन विपक्ष ने आखिर में आके जरूर हंगामा किया। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ सुमित जोशी, जनता टीवी, चंडीगढ़। दिल्ली में हुई हिंसक घटना को देखते हुए हरियाणा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और हरियाणा की अगर बात करें क्योंकि दिल्ली के आसपास का क्षेत्र में जो हरियाणा के इलाके लगते हैं वहां पर पूरी तरह से जो हाई अलर्ट होने के साथ साथ बारीकी से चेकिंग की जा रही है और आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली की तरफ जो है आने वाला वो रास्ता है जहाँ पर बैरिकेड लगाकर पुलिसकर्मी जो है पूरी तरह से मुस्तैद है और जो भी गाड़ी यहाँ से आ रही है उसको बारीकी से चेक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों को भी कड़ा कर दिया गया है और लगातार जो है हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है कि कौन व्यक्ति कहाँ पर आ रहा है और कहाँ जा रहा है। खासकर दिल्ली में जो जाने वाली गाड़ियाँ हैं उन पर विशेष तौर पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है और हरियाणा पुलिस और रोहतक पुलिस की अगर बात करें तो साइबर सेल के जरिए व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर भी इस तरह से ध्यान दिया जा रहा है कि कोई किसी प्रकार की भ्रांति फैलाने वाला मैसेज ना भेज सके। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। संक्रमण से पीड़ित व्यक्तियों के लिए हांसी के नागरिक अस्पताल में एक अलग से इंसोलेशन वार्ड बनाया गया है। यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी राहुल बुद्धि राजा जी का कहना है कि यहाँ चिकित्सकों की कमी है जिस वजह से यहाँ पर पूरे इंतजाम नहीं है। अलग से वार्ड की व्यवस्था जरूर है लेकिन जिला मुख्यालय पर सभी तरह के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ के अधिकारियों का कहना है कि वे पूरी तरह से जो प्राथमिक सुविधाएं हैं वो प्राथमिक उपचार देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हांसी से जनता टीवी के लिए राजकुमार बडाला की रिपोर्ट। अब हिसार को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा और इसके लिए हिसार की उपायुक्त प्रियंका सोनी ने सभी विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि संबंधित विभाग के द्वारा जितने भी धार्मिक या फिर ऐतिहासिक स्थल हैं उनकी एक सूची बनाकर उपायुक्त को सौंप दें ताकि उस पर आगे जो कार्य हो उसके। उपायुक्त द्वारा ये भी आदेश दिए गए हैं कि जितने भी ऐतिहासिक या धार्मिक स्थल है उनकी फोटोग्राफी या फिर इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर वो सबमिट करवाए ताकि उस पर आगे का जो कार्य है वो किया जा सकेगा। और इसके लिए जो समय अवधि रखी गई है वो 28
फरवरी तक इसमें अवधि रखी गई है और इस अवधि तक जितने भी फोटोग्राफ्स या डॉक्यूमेंट्री है, जितने भी धार्मिक या ऐतिहासिक स्थल है, तो उनकी उपायुक्त के ऑफिस में उनको सबमिट करवानी है और इसके बाद आगामी जो कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी। उपायुक्त द्वारा आदेश दिए गए हैं कि हिसार जिले में जितने भी ऐतिहासिक स्थल है, चाहे वह हाँसी के किले की बात हो या फिर बड़सी गेट हो, और इसके अलावा राखी गढ़ी का जो म्यूजियम बना जा रहा है उसकी बात की जाए, या फिर अग्रोहा धाम है, जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनकी एक सूची बनाई जाए और इसी के आधार पर वो आगे की जो कार्रवाई रूपरेखा वो तैयार की जाएगी। उपायुक्त द्वारा ऐसे आदेश ये भी दिए गए हैं कि जितने भी टूरिज्म के लिए क्षेत्र जो विकसित किया जा रहा है और पर्यटक यहाँ से बाहर से घूमने के लिए आएंगे, उनके लिए एक दिल्ली के बेस पर एक बस की व्यवस्था भी की जाएगी। जिस तरह से दिल्ली दर्शन के लिए अलग से बस चलाई जाती है, उसी तरह से हिसार के पर्यटन क्षेत्र है उनको दिखाने के लिए। और इससे पहले विभाग द्वारा आदेश भी दिए गए हैं कि जैसे कोई गाइड तैयार करनी है तो वो गाइड भी तैयार की जाए, ताकि जो गाइडलाइन होगी उसी के बेस पर जितने भी यहाँ पर पर्यटक घूमने के लिए आएंगे तो आगे की जो रूपरेखा होगी उसी के अनुसार जो तय की जाएगी। और जो उपायुक्त है हिसार की उपायुक्त प्रियंका सोनी, उनके द्वारा आदेश दिए गए हैं कि जितनी जो कार्रवाई है वो तत्परता से की जाए, अधिकारी द्वारा इसमें कोई कोताही ना बरती जाए और समय अवधि के दौरान ही यह संभव हो पाए। हिसार से जनता टीवी के लिए प्रदीप दोहन की रिपोर्ट। सिटी गुरुग्राम में प्ले स्कूलों पर अब जल्द ही शिकंजा कसेगा। गुरुग्राम में करीब सैकड़ों प्ले स्कूल चलाए जा रहे हैं, जिनकी सुरक्षा के मद्देनजर अब शिक्षा विभाग उन पर शिकंजा कसेगा। इन स्कूलों को अब NOC लेनी होगी, अन्यथा इन पर कार्रवाई की जाएगी। लगातार प्ले स्कूल की तादाद बढ़ रही है, ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पर आने वाले बच्चों को भी कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है। ऐसे में शिक्षा विभाग जो स्कूल मापदंड पूरे करेगा उन्हीं को बाल विकास अधिकारी द्वारा NOC दी जाएगी, अन्यथा ऐसे स्कूलों को अब बंद कर दिया जाएगा। कोई भी संस्थाएं जब चलती हैं तो उसके कोई ना कोई तो रूल होने हैं। ये अच्छा उनका एक कदम है कि NOC होनी चाहिए। ये जो डिपार्टमेंट है प्ले स्कूल वाला, ये महिला बाल विकास अधिकारी के पास गया है, तो उसकी गाइडलाइंस जो भी आएंगी उसके हिसाब से काम किया जाएगा। गुरुग्राम से विजेंद्र कुमार, जनता टीवी। किन्नरों के गुट में पैसे की उगाही को लेकर संघर्ष जो है वो खूनी संघर्ष के तौर पर तब्दील होता जा रहा है। दरअसल 2018 के हेड की दौरा इलाके के अंदर मीनू किन्नर नाम के एक शख्स ने रजनी किन्नर की जो है गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें मीनू किन्नर जो है अभी कुछ ही वक्त पहले जिला अदालत से बेल के ऊपर रिहा होकर बाहर आया था। और आज तकरीबन सुबह 10:30 से 11 बजे के करीब मीनू किन्नर जैसे ही यहाँ पे पहुंचा, तभी बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ उस पर फायरिंग कर उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसके बाद मीनू किन्नर को यहाँ से फौरन जो है निजी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पे उसकी हालात जो है वो नाजुक बनी हुई है। मैं आपको बताऊं, देखिए ये जो इलाका है अति सुरक्षित इलाकों में गिना जाता है, क्योंकि इसके साथ लगता जो है नि सचिवालय है, उससे अगले जो आगे जो है वो कोर्ट का एरिया पड़ता है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि पुलिस की मौजूदगी 10:30 बजे के करीब भी यहाँ पे पुलिस नाका मौजूद था, पुलिस असिस्टेंट बूथ तक मौजूद था, लेकिन इसके बाद देखो बदमाशों ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग कर मीनू किन्नर को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। हालांकि मीनू किन्नर के ऊपर भी 2018 में रजनी किन्नर की हत्या करने के जैसे आरोप थे, जिसपे मीनू किन्नर जो है अभी कुछ वक्त पहले ही जेल से जमानत पर रिहा होकर बाहर आया था। बहरहाल गुड़गांव पुलिस ने मीनू किन्नर के साथियों की शिकायत के ऊपर मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज जोशी, जनता टीवी। दिल्ली दंगों को देखते हुए हरियाणा के मुस्लिम बाहुल्य जिला नुहू में DC ने धारा 144 लगा दी है। जिले की कानून एवं व्यवस्था शांतिपूर्वक बनी रहे इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन नुहू शहर में हालात पूरी तरह से सामान्य हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे, इस समय हम खड़े हुए हैं मेवात मॉडल स्कूल नुहू के बाहर। यहाँ से दिल्ली और जो हाईवे है, जो यहाँ से महज दिल्ली 70 किलोमीटर की दूरी पर है, अगर हम बात करें तो यही राष्ट्रीय राजमार्ग 248A है, जो दिल्ली और अलवर देश के दो बड़े शहरों को जोड़ता है। इसके अलावा जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, ये जो रास्ता है ये जिला मुख्यालय के नुहू शहर को जाता है। इस शहर पर भी रोजाना की तरह आवाजाही जारी है, वाहनों की जो रफ्तार है वो उसी तरह जारी है जैसे आम दिनों में देखने को मिलती है। कुल मिलाकर भले ही दिल्ली में अशांति फैली हो, दंगे हो रहे हों, 10-12 लोगों की जान जा चुकी हो और वहाँ पर सैकड़ों लोग घायल हो चुके हों, लेकिन नुहू शहर पूरी तरह से यहाँ पर हालात सामान्य हैं। पुलिस सुरक्षा की अगर बात करें तो पुलिस की जो सुरक्षा है भले ही कुछ जगहों पर बढ़ा दी गई हो, लेकिन
इतने विशेष इंतजाम नूह शहर में दिखाई नहीं दे रहे हैं। कासिम खान, जनता टीवी, नूह मेवात।